पेपर लीक के बाद बच्चों की परीक्षा पर बना कंफ्यूजन कल खत्म हो गया। 12वीं की अर्थशास्त्र की परीक्षा 25 अप्रैल को दोबारा होगी। 10वीं की मैथ्स की दोबारा परीक्षा को लेकर सस्पेंस, शिक्षा सचिव ने कहा 10वीं के पेपर लीक पर जांच जारी। शिक्षा सचिव ने कहा 10वीं की परीक्षा पर 15 दिन में फैसला लेंगे, जरूरी हुआ तो दोबारा परीक्षा कराएंगे। शिक्षा सचिव ने कहा 10वीं की मैथ्स की परीक्षा दूसरे राज्यों में दोबारा नहीं होगी, जरूरी हुआ तो दिल्ली और हरियाणा में दोबारा परीक्षा होगी। पेपर लीक को लेकर झारखंड के चतरा में संदिग्ध छात्रों से पूछताछ, क्राइम ब्रांच ने कई अहम सबूत जुटाए। पेपर लीक मामले में कुल 12 लोग हिरासत में लिए गए, 6 छात्रों को बाल सुधार गृह भेजा गया। एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे की 10वीं और 12वीं के बच्चों से अपील, मैथ्स इकोनॉमिक्स के पेपर नहीं दें, गलती सरकार की है लिहाजा सरकार भुगते। मुंबई में भी 10वीं के बोर्ड के मैथ्स के पेपर दोबारा नहीं होंगे, इस बात की जानकारी मिलते ही बच्चे और अभिभावकों ने जश्न मनाया।